झांसी की रहने वाली उन्नति पांडे अब बड़े पर्दे पर दिखाई देंगी। जी हां, झांसी के उन्नति पांडे अब 70 mm की स्क्रीन पर अपना जला भी खेलने वाली हैं। बॉलीवुड की एक फिल्म अजमेर 92 में उन्हें लीड रोल मिला है। 3 नायिकाओं पर आधारित इस कहानी में एक नायिका खुद उन्नति पांडे हैं। झांसी की रहने वाली उन्नति पांडे 4 साल पहले मुंबई गई थी, लंबा स्ट्रगल किया और उसके बाद आज उन्हें एक कामयाबी हासिल हुई है कि वो एक फिल्म कर रही हैं। समाजसेवी दिलीप पांडे और शिक्षिका शालिनी पांडे की बेटी उन्नति पांडे बॉलीवुड में अपना पहला कदम रख चुकी हैं। झांसी और बुंदेलखंड के लोग इस बात से बेहद खुश हैं। झांसी के विधायक ने तो उन्नति पांडे को पूरे बुंदेलखंड का गौरव बताया। आज प्रसन्नता का विषय इस बात का है कि वो बुंदेलखंड जिसे लोग पिछड़ा कहते थे, वो बुंदेलखंड जो समस्याओं से ग्रसित लोग बताते थे, आज ही बुंदेलखंड से निकल करके झांसी की एक बेटी उन्नति पांडे ने बड़े पर्दे पर बॉलीवुड में अजमेर 92 में मेन रोल निभा करके ये साबित किया कि प्रतिभा मुंबई में जा कर के निखरेगी, लेकिन प्रतिभा को निखारने के लिए झांसी के जो गुरुजन हैं उनका भी बड़ा योगदान है। और बुंदेलखंड की जब बात होती है तो भले ही मुंबई में बैठे हुए लोग व्यक्ति को बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ लगे, लेकिन बुंदेलखंड का जो अपना सौंदर्य है, अपनी प्राकृतिक छटा है, उसके लिए भी बुंदेलखंड जाना जाता है। देश के तमाम बड़े स्टारों ने यहाँ पर आकर के शूटिंग की, लेकिन आज हमारी बिटिया यहाँ से निकल करके एक बड़े पर्दे पर वहाँ मेन लीड रोल में है। पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामना। निश्चित रूप से ये झांसी के लिए गौरव का विषय है।